स्वाति मालीवाल जी की एक वीडियो सामने आई, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम की वीडियो सामने आई। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है। तो उनके अपने शब्दों से ये स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने FIR में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं, और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये CM आवास के गेट के CCTV की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये FIR देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन CM रेजिडेंस का गेट का CCTV का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से तेज स्पीड से बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। ये वीडियो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाया जाए। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस FIR में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो आज इन दोनों वीडियो ने यह साबित कर दिया है
कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। कल से, जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर वन, आप सब जानते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं, और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है, और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर, जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, नंबर वन। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिख रहा है, उनकी पूरी मशीनरी एमएचए से दिल्ली पुलिस तक कैसे काम कर रही है, उसका दूसरा प्रमाण कल 30,000 कोर्ट के सामने आया। कल विभव कुमार जी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मुझे इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, जो एफआईआर पिछले दो दिन से सारे मीडिया वालों के पास है। विभव कुमार जी ने 30,000 कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि इस एफआईआर की कॉपी आधिकारिक रूप से मुझे उपलब्ध कराई जाए। कल दिन भर कोर्ट मांगता रहा, 30,000 के कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट दिन भर दिल्ली पुलिस से मांगता रहा कि भाई एफआईआर की कॉपी दो, एफआईआर की कॉपी दो। कल शाम को थक हार कर जब एफआईआर नहीं आई, तो 30,000 के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज सुबह दिल्ली पुलिस एफआईआर की कॉपी लेके 30,000 कोर्ट में हाजिर हो। और अब आप देखिए कि आज सुबह दिल्ली पुलिस कोर्ट में एक जवाब देती है जो हम आपसे शेयर करेंगे कि ये एफआईआर बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस एफआईआर को हम कोर्ट में जमा नहीं कर सकते, हम आरोपी को नहीं दे सकते। तो जो एफआईआर पिछले दो दिन से हर मीडिया वाले के हाथ में है, हर टीवी चैनल को भेजी गई,
हर यूट्यूबर को भेजी गई, हर अखबार को भेजी गई, हर वेबसाइट को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजी गई। आज भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ये कह रही है कि हम कोर्ट को नहीं दे सकते, हम अक्यूज्ड को नहीं दे सकते। ये क्या दिखा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश SHO सिविल लाइन से नहीं चल रही है, ये साजिश कमिश्नर पुलिस से नहीं चल रही है, ये साजिश सीधा MHA से और होम मिनिस्ट्री से चल रही है। इस केस को सीधा भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो उस केस को मीडिया में चलाना हो और चाहे ये कहना हो कि हम आरोपी को FIR नहीं देंगे। नंबर 3, विभव कुमार जी ने 24 घंटे पहले एक दिल्ली पुलिस में एक काउंटर कंप्लेंट दर्ज करी। अभी तक विभव कुमार जी की कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी। ऐसा कैसे हो गया कि स्वाति मालीवाल जी का जब मुद्दा सामने आता है तो पुलिस वाले खुद उनके घर पहुंच जाते हैं, भारी संख्या में पहुंच जाते हैं, चार चार घंटे तक उनके यहां रहते हैं, एक घंटे के अंदर FIR फाइल कर देते हैं, दो घंटे के अंदर मीडिया पे चलवा देते हैं। लेकिन जब विभव कुमार जी कंप्लेंट फाइल करते हैं, ट्रेसपासिंग की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सरकारी अफसरों पर किस तरह से उनको काम करने से रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो दिल्ली पुलिस चुप है। दिल्ली पुलिस उस पर FIR नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस उस पर जवाब तक नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बनकर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी पर हमला कर रही है। ये है इस पूरे केस की सच्चाई। ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए है, ये पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, और अरविंद केजरीवाल जी की जमानत होने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद उन पर ये आरोप लगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा। थैंक यू। हमने दिल्ली पुलिस को सारी फुटेज अवेलेबल करवा दी है, हमने उनको कहा है वो जो सारी फुटेज देखना चाहते हैं वो देख ले। इस फुटेज को देख के सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस फुटेज को देखकर, जो आज फुटेज अभी हमने आप लोगों से भी शेयर की है, ये भी सामने आ जाता है कि क्यों स्वाति वालीवाल जी ने उस दिन मेडिकल नहीं करवाया। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो वो आरोप लगा रही थी कि कपड़े फटे हुए थे, मैं इतनी जोर की गिर गई कि मेरा सर फट गया, टेबल से लग गया, मेरे कपड़े फट गए, मैं दर्द में कराह रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मेरा चश्मा गिर गया, ये सारी फुटेज उस झूठ का पर्दाफाश कर देती है और दिखा देती है कि क्यों स्वाति मालीवाल जी ने 13 मई को कंप्लेंट पुलिस में नहीं करवाई, क्यों मेडिकल नहीं करवाया। देखिए, इस पूरे मामले की सच्चाई विभव कुमार जी ने अपनी कंप्लेंट में सामने रख दी है। CCTV फुटेज CM रेजिडेंस का, जब से वो अंदर घुसी, जब से उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, वो अंदर गई, वेटिंग रूम से ज़बरदस्ती घर के अंदर गई, फिर वापस आने की फुटेज पुलिस को अवेलेबल करवा दी गई। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी? क्या पुलिस विभव कुमार जी की कंप्लेंट पे FIR फाइल करेगी?
क्या वो स्वाति मालीवाल जी के क्लियरली झूठे आरोपों पर एक्शन लेगी? मेरा तो ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं करेगी। मैं दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर रही हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार नहीं है, अगर आप निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं तो करिए रजिस्टर एफआईआर। विभव कुमार की कंप्लेंट पे करिए एफआईआर। क्या सीएम रेजिडेंस की ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी एक सीरियस मुद्दा नहीं है? क्या सीएम हाउस की सिक्योरिटी के साथ धक्का मुक्की एक सीरियस मुद्दा नहीं है? क्या सीएम आवास में ट्रेसपासिंग एक सीरियस मुद्दा नहीं है? आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी को कोई ब्रीच करके चला गया, वो आपके लिए सीरियस मुद्दा नहीं है? तो दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता उनके अब आगे के एक्शन से सामने आएगी। मेडिकल रिपोर्ट में जो इंजरी है वो एस्टैब्लिश हुई है, जो मेडिकल रिपोर्ट स्वाति की आज सबमिट की गई है। देखिए, असली सवाल ये पूछने वाला है कि स्वाति मालीवाल जी ने मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल करवाने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया? अगर उन्हें चोट लगी थी, अगर उन पे हमला हुआ था, वो उस दिन क्यों नहीं गई? असली सवाल ये है कि उस तथाकथित हमले के बाद वो रोब से उस ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी हुई पुलिस वालों को ललकार रही हैं। पुलिस वालों को ये नहीं कह रही है कि विभव कुमार ने मेरे ऊपर हमला किया। पुलिस वालों को कह रही है तुम्हारी नौकरियां ले लूंगी, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। वो ये नहीं कह रही है कि विभव कुमार ने मुझ पर हमला किया। वो विभव कुमार को गालियां दे रही हैं, अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं। वो दर्द से कराह नहीं रही हैं, वो ऊंची आवाज में ललकार रही हैं दिल्ली पुलिस को। जो सीसीटीवी फुटेज उनकी घर से बाहर निकलते हुए आई है वो भी दिखा रही है। 4 दिन बाद जब वो 30,000 कोर्ट जाती हैं, 3 दिन बाद जब वो एम्स जाती हैं, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि चल नहीं पा रही हैं, गाड़ी से उतर नहीं पा रही हैं। उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, उनको सहारे की ज़रूरत है। भाई ये कैसी इंजरी है जो 4 दिन बाद इसका असर आता है, जो 10 मिनट बाद आराम से चलती हुई नजर आ रही हैं, उनको कोई दर्द नहीं हो रहा, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो पुलिस वालों को धक्का दे रही हैं, वो पुलिस वालों को धमका रही हैं, तो 4 दिन बाद क्या हो गया? भाई ये तो इस देश के लिए यूनिक मेडिकल रिसर्च का टॉपिक है कि ये कैसी इंजरी है, ये कैसी चोट है जिसका असर 4 दिन के बाद हो। एक सवाल, जेपी नड्डा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी माइनस में पहुंच गई है और ये वो अपने ही इंटरनल वॉर से उभर नहीं पा रही है, और अगर ये बीजेपी का स्कीम था तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों जवाब नहीं दे रहे थे, माइक इधर उधर क्यों कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, एंटी करप्शन ब्यूरोज का इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं। ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे एनसीपी के नेता हो, एक एक करके केस में केस लगाए जाते हैं, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर जो केस चल रहा है, एसीबी किसके हाथ में है, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है, बताएं जेपी नड्डा जी। ये बिल्कुल साफ है कि जो स्वाति मालीवाल जी पर केस हो रहा है, शायद उसी को इस्तेमाल करते हुए स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र में शामिल किया।